हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर आर्मी या कोई ऐसे सैन्य भर्ती में क्यों उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है जिनका घुटना आपस में टच करता है। ठीक है ना, मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरा टच कर रहा है, ठीक है ना। सो आई एम नॉट एलिजिबल फॉर आर्मी रिक्रूटमेंट, क्योंकि ये टच कर रहा है तो इसका असर क्या होता है। देखिए, मेरा वेट है, बॉडी का वेट है, और जो पूरा वेट जा रहा है किस पे जा रहा है, इस वाले लेग पे जा रहा है, ठीक है ना, और इस वाले लेग पे जा रहा है। तो मेरे बॉडी का जो पूरा वेट है, जितना वजन है, वो पूरा इस पे जाएगा, और यहाँ पे ये ACL रहता है, लिगामेंट रहता है, ठीक है ना। तो अगर पूरा वेट मेरा पड़ रहा है और पैर हल्का ऐसा मुड़ा है, ठीक है ना, हल्का ऐसा कर्व है, आप ये देख सकते हैं, हल्का अगर ऐसा कर्व है, जो पूरा वेट पड़ेगा इधर पड़ेगा, बिल्कुल सीधा इसके पड़ेगा, लेकिन ये वाला जो है, ये वाला लेग, ये इधर से टूटने का डर रहेगा। तो ये सेंटर ऑफ बॉडी वेट से रिलेटेड है। तो अगर किसी का पैर जो है, अगर ये इधर छूता है किसी के ज़्यादा, अगर बाहर तरफ है, ठीक है ना, तो उनके लिए दिक्कत रहती है। बाद में भी इसकी एक्सरसाइज वगैरह है जिससे कि ये सुधार हो जाता है। तो मेरा देखिए हल्का टच करता है, ठीक है ना। तो जिनका ये टच नहीं करता है उनके लिए आर्मी में रिक्रूटमेंट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं जाती, जिनका टच करते दिक्कत जाती है। और मेन इसका यही रीजन होता है कि जो आपका बॉडी का वेट रहता है पूरा, तो बिल्कुल सीधा ऐसे जाता है, ठीक है ना, पूरा बॉडी के वेट। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे हल्का अगर तिरछा है, मान लीजिए पैर ये वाला हल्का ऐसा है, ठीक है ना, तो जब वेट पड़ेगा तो ऐसे टूटने का डर रहता है, ठीक है ना। ACL जो दोनों हड्डियों को जोड़ता है, जो घुटने के नीचे की हड्डी रहती है और ऊपर वाली हड्डी रहती है, इसको जो यहाँ पे जोड़ता है, एक लिगामेंट रहता है, उसके टूटने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों, यही मेन वजह है। आप हमसे मिलेगा। धन्यवाद।